महाराज जी नमोस्तु। हम भारतवर्ष के निवासी हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, हम हिंदी भाषी पट्टी में निवास करते हैं और शैक्षणिक अर्हता शैक्षणिक शिक्षा भी पूरी हिंदी में हुई है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हिंदी को लो हमारी शिक्षा प्रणाली इस तरह से है कि लोग अंग्रेजी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आज अधिकारियों और बड़े व्यवसायियों के बच्चे ही नहीं, छोटे छोटे मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी के लोगों के बच्चे भी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जबकि अंग्रेजी स्कूलों में उस स्तर के टीचर भी नहीं हैं पढ़ाने वाले। तो इस समस्या का कैसे समाधान हो और लोग हिंदी की तरफ आकृष्ट हों और अपने राष्ट्रभाषा जिसमें हम बड़े हुए हैं, हम सोचते हैं, हम पढ़ते हैं, उसका विकास हो। देखिए, हिंदी की बात केवल सामाजिक परिवर्तन से नहीं होगी। समाज में जागरूकता लाई जा रही है, लेकिन आज इतनी दुरवस्था आ गई है कि अब हिंदी को बचा पाना बड़ा दुष्कर सा हो गया है। मुझे इसका एक ही उपाय दिखता है कि सरकारें शिक्षा नीति में बदलाव लाए, सर्वभाषा में पढ़ाई कराए, पर माध्यम मातृभाषा हो, उसमें केवल हिंदी ही ना हो, हमारी अन्य भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बंगला है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, अनेक भाषाएं भारत में। उन भाषाओं को तभी हम सुरक्षित कर पाएंगे। इसलिए पाठ्यक्रम ऐसा निर्धारित होना चाहिए, अंग्रेजी एक सहायक भाषा है, कोई जरूरी नहीं। आज चीन है, जापान है, फ्रांस है, इनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए। चीन के लोग चाइनीज भाषा का ही प्रयोग करते हैं, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन आज चीन कितना आगे बढ़ गया, इस पर काफ़ी चर्चाएं पहले भी हुई है। अब हमें चर्चा नहीं, कुछ संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। मैं अनेक बार पहले भी बोला, आपसे भी कहता हूँ, आज से शुरुआत करो, अपनी सिग्नेचर की जगह दस्तखत करेंगे, हस्ताक्षर करना शुरू करेंगे, वो हिंदी में करेंगे, ये तो एक शुरुआत करें। लोग बोल देते हैं पर लोग फिर भी सिग्नेचर ही करते हैं, हस्ताक्षर करना शुरू करें, ये एक प्रारंभ हो। हम जो कुछ भी लिखा पढ़ी करें वो हिंदी में करें, अपने प्रतिष्ठानों में भी लिखें तो हिंदी में ही लिखें, तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।